शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये गोली हवा में ही नहीं, सीने पर भी चला करती है। नहीं नहीं, वसीहा के शिष्य, तुम ये बताओगे कि मंदिर की चाबियां कहाँ रहती हैं? नहीं। और गांव के बाहर खड़ी पुलिस से तुम हमारा परिचय कराओगे कि हम कलमपुर के आश्रम के आचार्य हैं और आज रात को तुम्हारे ही आश्रम में विश्राम करेंगे? नहीं, आचार्य जी की कसम, मैं आचार्य जी के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो फिर यह बंदूक भी तुम्हें धोखा नहीं देगी। आज रात तुम्हारा आचार्य रहेगा या जागीरा, सारा गांव जला दिया जाएगा। पोखरा बोलो, राम राम बोलो, बोलो राम राम बोलो, बोलो राम राम बोलो। अरे ओ हरामियों, 25-25 मिल को एक बेचारे पुट्टे को मार रहा रे, माटी पड़े तुम्हारे को, गैरत हो जाओ। थो, किस माँ से पैदा हुआ रे तुम लोग हैं? इतने नारी, आपका परिचय? मेरा परिचय पूछ रहा रे तू? सुन, दो नाम है रे मेरे, पिछले जन्म में मैं पुतली बाई थी और इस जन्म में फूलवती, समझा कि नहीं? और तुम सबका परिचय मैं अभी जो को पुलिस में बताती हूँ, एक एक बताती हूँ। पकड़ो साली पुलिस की इस बच्ची को, तुमने तो मरवा दिया फूलवती। जल्दी कर चमचो, गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। आचार्य जी, आचार्य जी, क्या बात है किचना? वो फूलवती बाहर फूल। देखो फूलवती, आचार्य जी आए। आचार्य जी, वो डाकू लोग इस गांव पर, वो डाकू लोग इस गांव पर हमला करने आ रहे हैं। अम्मा, आओ फूलवती भाषण। नहीं, आपको देख लिया बस। आचार्य जी, वो डाकू लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। नहीं आचार्य जी, नहीं, वो आ रहा है। हमारे पास तो गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। चलो आचार्य जी, आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। आचार्य जी, आचार्य जी रुक जाइए। कृष्णा, नहीं मैं भी आऊंगा। कृष्णा वापस आओ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाइए। मैं कहता हूँ वापस चले जाओ कृष्णा। मुझे टांगे चलाना आता है आचार्य जी। जिद मत करो कृष्णा, वापस चले जाओ, मैं कहता हूँ वापस जाओ। आतिशबाज, आतिशबाज,
कृष्णा, आज तो तूने सचमुच कृष्ण बनकर दिखा दिया। मैं चलता हूँ दोस्त। जिगर का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा रे, यहाँ का माई बाप सरपंच, भगवान का दूसरा नाम है रे। कहाँ जाओ, उसे लेकर आओ। जी सरदार। बस तुम्हारी आत्मा हमेशा लिए गुजार रहेगी। आया आया जिगर का टुकड़ा, इसको प्यार से मारना। टकलू देख के रहे, माल को ठिकाने लगाओ, चल। और हमारे प्रिय मित्र को, सरपंच को असली घी के परांठे खिलाओ। माफ कर दो जगीरा, माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूं? तू जानता है मेरा नाम क्या है? जगीरा, जगीरा, जो तेरा सीना चीर कर लगान लेकर आएगा। हुजूर, भाई बाप, मैं तो हमेशा से लगान देते आया हूँ, लेकिन इस बार मेरी फसल नहीं हुई। बहुत दुख हुआ, बहुत अन्याय करता ऊपर वाला तुम पर। फसल आ गई, मुन्ना। ओ मेरे बच्चे, गोदरी के लाल, कान खोल कर सुन। तेरा दादा कहता है कि फसल नहीं हुई। ए पागल, असली फसल तो इसकी गोद में है। नहीं हजूर, इस मासूम बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है,
भगवान के लिए इसे छोड़ दो। तुझे पता है बहुत दिन हो गए जगीरा ने किसी बच्चे को छू कर नहीं देखा, प्यार तक नहीं किया। ला ला ए छोड़ छोड़, छोड़ बच्चे को छोड़। गोदड़ी के लाल को ला, मैं से जी भर से प्यार करूंगा, चुम्मा चुम्मी करूंगा। हम तुझे लोरी सुनाता हूँ, ले लोरी सुन। तू देखना चाहता है तेरा पोता कितना प्यार करता है मुझसे, मैं भी उतना ही करता हूँ। आज ऐसा प्यार करूंगा, ऐसी आंग झोली खेलूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप गोदड़ी के लाल तेरे साथ आंग झोली खेलूं। आ, आ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हाँ मुझे कर दो तुझे। भगवान तुहार भला करे भैरव भैया। कमीने मारो इसको, कर दो छोड़। मेरा पिछू मर गया सांड की औलाद। अरे दोगले मुच्छड़, मैं सामने आता हूँ तो पिपियाने लगता है और पीछे गांव वाले पे जुल्म करता है। आई 10 गांव में आया ना तो तेरी हड्डी आई वापस जाएंगी। सरदार सरदार, गांव की तरफ पुलिस आ रही। सरदार पुलिस नहीं आई, इसकी जान बच गई। अच्छा पुलिस आ गई। दोबारा फिर किसी गांव में कदम रखना नहीं, नहीं तो तेरी हत्या जाएगी। चला जाए ऐसे। चलो भी वक्त है, दस्तखत करो। नहीं करूंगा, कह दिया मैंने। विनोद चलो, अगर दस्तखत करे तो इनके खातिर करना, और अगर ना करे तो भी मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी नहीं रखना, समझे? बाबा बाबा, वहां बहुत गोलियां चल रही है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक पुलिस वाला कह रहा था अजय भैया का भी पता नहीं है। अजय की चिंता मत करो, अजय की रक्षा माँ जगदम्बा करेगी।
तो है, लगता है बाहर जाने का ही रास्ता, लेकिन दरवाजा खुलेगा कैसे? पानी बहुत है। अजय ये देखो क्या है, जिस रास्ते से पानी आ रहा है उसी रास्ते से चलना चाहिए हमें। पुलिस का मुकाबला नहीं कर पा रहे और हमारे पास गोलियां भी खत्म हो गई। बलराम जल्दी करो। Yes, sir. We are in danger here. इसी वक्त जहाज बीच दरिया में ले जाओ। सुबह होने को आई है, हमारे वहाँ पहुँचते ही जहाज छूटेगा। सबको कहो तैयार रहे और कोई माल नहीं उतरेगा, समझे?
कबीला अपना पीछा कर रहा है। नजदीक आने दो और खत्म कर दो। जी हजूर। उसकी बोट को